गुरुवार को भारतीय रेल और एनडीआरएफ के संयुक्त विद्वान से नागपुर रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया। आए दिन रेल दुर्घटना बढ़ती जा रही है, ऐसे रेल प्रशासन और एनडीआरएफ कितनी सक्षम है, साथ ही अगर कोई दुर्घटना होती है तो जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए, ये देखने के लिए गुरुवार को भारतीय रेल और एनडीआरएफ की ओर से नागपुर रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में सूरत स्पेशल ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त दिखाई दिया। इस ट्रेन के कुछ डिब्बे दुर्घटनाग्रस्त हो गए, इसमें यात्री कर रहे लोगों को बचाने के लिए रेल व एनडीआरएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। इसमें कुल 10 लोगों को बचाया गया। इसके साथ ही इसकी जानकारी रेल अस्पताल, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन विभाग साथ ही एक अस्पताल को दी गई। जानकारी मिलते ही सभी विभागों की टीमें वहां पहुंच गई। ये मॉक ड्रिल इस बात की जानकारी इन विभाग को नहीं दी गई थी। ये हमारी एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि भारतीय रेल और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ उसकी जो 5th बटालियन है पुणे में, उसके साथ में हमारी ज्वाइंट एक एक्सरसाइज होती है जिसमें कि हम एक दुर्घटना को डिक्लेयर करते हैं और फिर उस दुर्घटना को कैसे हमने पूरी तरीके से हैंडल किया उसके बारे में कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। तो आज की जो ये एक्सरसाइज थी उसमें 02853 मालदा टाउन सूरत स्पेशल ट्रेन का ये दुर्घटना डिक्लेयर किया गया था और उसमें 2 कोचेज हैं, AQSO14 और AQSO15। इनकी दुर्घटना से इसमें 5 गंभीर रूप से घायल, 1 मृतयात्री और सामान्य रूप से घायल 4। तो टोटल 10 लोगों को मॉक ड्रिल के तहत इनको घायल डिक्लेयर किया गया, 1 को मृत भी घोषित किया गया। और उसमें फिर हम ये देखते हैं कि शहर के हॉस्पिटल्स, हमारा अपना जो हॉस्पिटल का सेटअप है, हमारे पास एक अपनी एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है ARMV, उसके अंदर ऑपरेशन थिएटर भी होता है, सारी ज़रूरी दवाइयां भी होती हैं, उसके अंदर डॉक्टर्स की टीम होती है और वो डॉक्टर्स की टीम के पास में लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिंस होती हैं। तो हमने तुरंत कैसे लोगों को रिस्पॉन्ड किया, कैसे उनको तुरंत हमने कितनी जल्दी उनको हेल्प पहुंचाई उनका किया, फिर पुलिस को हमने सूचित किया, तुरंत पुलिस की टीम तुरंत आ गई, फायर ब्रिगेड को सूचित किया, फायर ब्रिगेड भी विद इन 1/2 आवर आ गई और हॉस्पिटल्स को सूचित किया। हॉस्पिटल्स को किसी को नहीं पता था कि ये मॉक ड्रिल है और सारे हॉस्पिटल्स से इमीडिएट रिस्पांस मिला। एक हॉस्पिटल की पूरी टीम एम्बुलेंस के साथ यहां पे आई भी। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।